तो नाम जप को इसी भाव से जीवन में स्थान देना है। नाम जप क्या है? भगवान की सन्निधि है। और वहां संत कह रहे हैं, रे मन मेरिया सदा रहो हरि नालय, प्रभु के पास रहिए, प्रभु के साथ रहिए। सूर्य के निकट कौन सा अंधकार आ सकता है? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। आप प्रभु के सानिध्य में रहो, आप प्रभु के पास में रहो, कौन सी विपत्ति, कौन सा संकट आप तक आ जाएगा? किसमें सामर्थ्य है? तभी तो संतों ने, आप देखो, अपने जीवन भर की कमाई इन्हीं शब्दों में डालकर रख दी। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, तत्वज्ञ महापुरुष, अंत में यही यही शब्द बार बार आप भी कहते थे, सबसे कहलाते भी थे कि मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। अरे सब करके यही तो आना है, यही करना है, यही आना है और यही रहना है। भगवत सन्निधि पाकर ही तो जीव निर्भय होगा, निर्द्वंद होगा। इसलिए मैंने कहा, आप भगवान के सानिध्य में रहो, कौन सी विपत्ति, कौन सा संकट आप तक आ जाएगा। घर से निकलते ही ध्रुव जी को नारद जी ने भगवान नाम दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ध्रुव जी निर्भय हो गए। घनघोर जंगल, 5 वर्ष का बालक, निर्भय होकर साधन कर रहे हैं, भगवत सन्निधि में है, भगवान के सानिध्य में है। एक भाव से ही जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है, एक भाव से। तो जब भी आपके पास, जब भी जप करने बैठना, सिमरन करने बैठना, भजन करने बैठना, तो उसको साधन नहीं समझना है। जैसे मैं आपको कई बार कहता हूं, जब संतों की वाणी की हम चर्चा करते तो मैं कहता हूं, भाई कुछ देर संतों के पास जाकर बैठ रहे हैं। मीरा जी की वाणी की चर्चा करेंगे तो उतनी देर के लिए मीरा जी के पास बैठे हैं, मीरा जी के संग बैठे हैं, उनके सत्संग में बैठे हैं। ऐसी जब नाम जप करना है या भजन करने बैठो तो अपने मन में यही भाव रखना है, भाई थोड़ी देर प्रभु के पास चल के बैठते हैं, भगवान के पास बैठेंगे, प्रभु के पास बैठेंगे, प्रभु के निकट बैठेंगे। नाम जप को भगवत सन्निधि जानकर मानकर फिर जप करना है। आप देखो भजन का आनंद शने शने बढ़ता चला जाएगा। और जब नाम जप करना है, एक भाव और जोड़ लेना है कि जब नाम जप करने बैठो तो भाई अपने गुरु की सेवा में है, संत की सेवा नाम ते आई है। जब नाम जप कर रहे हैं तो भगवत सन्निधि में है, जब नाम जप कर रहे हैं तो अपने गुरु की सेवा में है। हम अपना कल्याण करने के लिए कोई साधन करें तो बड़ा भारी भाव है भाई, ज्यादा दिन सिर पर लाद नहीं पाओगे इसको। मन को रस चाहिए, मन को रस चाहिए। भजन में जब रस आएगा तब भजन सहज होगा, जब भजन स्वभाव बनेगा, क्योंकि मन को रस चाहिए। और मैंने आपसे कभी कहा था, मन के पास बुद्धि नहीं है, अपने मन को समझाते रह जाओ पर मन को जहां पहुंचना है वहीं तो पहुंच जाता है वो। हम समझाते रह जा रहे हैं आपको, हमको किसी ने समझाया, मन कहां सुनता है? नहीं सुनता है वो, तो जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ भी कान्यो। कुछ ऐसा हो कि जिससे मन को रस मिले। तो जब भजन करने बैठो तो भाई मैं अपने गुरु की सेवा में हूं, हम प्रभु के पास बैठे हैं, हम भगवत सन्निधि में हैं। इससे आपके अंतर मन को बल भी मिलेगा, पोषण भी मिलेगा, धैर्य भी मिलेगा, उत्साह भी बढ़ेगा। बड़ी बात है कि हमें भजन में रस आए, रस का अनुभव हो, रसानुभूति, वो भजन को सतत कराएगी। आज आरंभ में ही मैंने आपसे कहा, अभ्यास को कब ठीक जानना चाहिए। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अभ्यास को कब ठीक जानना चाहिए। एक तो वो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में हो और दूसरा सतत हो, उसमें निरंतरता हो। ऐसी भजन साधन में निरंतरता कब आएगी? जब आपको रसानुभूति होगी। लाख करोड़ कोई आपको समझा ले, आप अपने मन को समझा लें, आप इसका अनुभव खुद कर लेना। बड़े बड़े उपदेश आप सुन लो और
और वो उपदेश आप अपने मन को दे लो, मन को जब तक रस नहीं मिलेगा मन ठहरने वाला नहीं है, मन नहीं अटकेगा, मन को तो रस चाहिए। और जब तक आप उसको आप भजन का रस नहीं दोगे तब तक वो विषय के रस में उलझाए अटकाए वहीं दौड़ दौड़ कर जाता है। सब पूछ रहे हैं मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, गाते हैं लोग ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। अरे उस बेचारे की परेशानी तो समझो, वो तो प्रभु से मिलाने वाला है, मन ही मिलावे राम से, वो तो प्रभु से मिलाने वाला है, उसकी परेशानी समझिए ना, उसको रस चाहिए, आप दीजिए उसको वो रस। जब आप नहीं देते भजन का रस फिर वो जाता है, फिर जाता है वो, फिर विषय का जो जंगल संसार के रूप में फूला है, ये संसार क्या है, विषय का जंगल ही तो फूला है, फिर वो यहां जाता है। और जब यहां जाता है तो क्या परिणाम आता है, अरे फिर फांसी ऐसी पर है ती ही सब दुख न हुई, विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी पर है ती ही सब दुख न हुई। तो प्रयास करना कि जैसे आगे बढ़ रहे हो ऐसे देखना मन सिमटता चले। मैं बार बार आपसे कहता हूं अपनी कसौटी आप बनना, देखना कि अब नए संबंधों की आवश्यकता तो जीवन में अनुभव नहीं हो रही, कभी कोई और चाहिए, अब जो है भाई वो तो है ही, उससे तो समय ही पीछा छुड़ाएगा, जितने संबंध जीवन में हैं उनसे तो भाई समय ही पीछा छुड़ाएगा, जब प्रारब्ध समाप्त होगा लेना देना समाप्त होगा तो जो आया है वो चला जाएगा। पर देखना कि कोई नया संबंध बनाने की इच्छा तो नहीं है, और तो नहीं उलझना चाहते, और यदि ऐसा हो तो भाई हम तो इतना ही कह सकते हैं सावधान होना, सावधान हो जाना। तो पहले स्वस्वरूप फिर परस्वरूप, फिर श्रीमद् भागवत दिखाती है अपने इष्ट का स्वरूप, आराध्य का स्वरूप, भगवान का कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है। सूरदास जी सरल शब्दों में कुछ पंक्तियों में बड़ा सुंदर प्रभु के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे प्रभु को देखो एक सुभाई। अच्छा एक और बात, एक स्वभाव होता है एक स्वभाव होता है, स्वभाव तो है भाई जैसा अपना अपना सबका भाव है वो स्वभाव है, एक स्वभाव है सुंदर भाव। तो प्रभु का स्वभाव स्वभाव है, हमारा स्वभाव स्वभाव है, और कभी कभी तो हमारा स्वभाव कुभाव भी होता है, जीव का स्वभाव या तो कुभाव है या अभाव है, ये तीन भाव हैं, एक अभाव है एक कुभाव है एक स्वभाव है। हमारा स्वभाव या तो कुभाव है या अभाव है, लेकिन प्रभु का जो स्वभाव है वो स्वभाव है सुंदर। उमाराम स्वभाव जीने जाना, ये स्वभाव ताही भजन तज भाव न स्वभाव। सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु को देखो एक स्वभाव, अरे अति गंभीर, एक तो जो स्वभाव है प्रभु का करे अति गंभीर, माने उसकी कोई था नहीं पा सकता है, कितना प्रेम प्रभु के हृदय में है, इसीलिए प्रभु का नाम है करुणा सागर, करुणा सिंधु, दया सिंधु, अकारण करुणा वरुणालय भगवान, करुणा सागर। करे अति अति गंभीर उदार उदधि हरि और जान शिरोमणि राई, परमानंद स्वामी कह रहे ना करे अंतर घट की जाने सेवा सुमिरन माने, इसीलिए प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले कृपा करे सो जीजे। फिर ये सूरदास जी का ये पद मुझे बड़ा विशेष प्रिय है, इसमें एक बात सूरदास जी ने इतनी सुंदर कही है, पहले तो कह रहे हैं तिनका सौ अपने जन को और गुण मानत मेरु समान, यानी अपने जन के छोटे से गुण को
मेरु के समान मानते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, कह रहे ऐसा सबसे पहली बात तो यही है प्रभु के स्वभाव में, कह रहे छोटे से गुण को भी बड़ा करके मानते हैं, और अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान। कह रहे तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, और सकुच गनत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। और समुद्र जितने कोई अपराध करे प्रभु बूंद जितना ही गिनते हैं। अरे भाई ये तो सब भक्तों के जीवन का अनुभव है, पर्वत के जैसे कष्ट को श्री ठाकुर जी राई के समान करके टाल देते हैं। किसी को सूली पर चढ़ना हो ना, अपने कर्म प्रारब्ध से मान लो किसी के भाग्य में सूली पर चढ़ने जैसा दुख हो, तो ठाकुर जी कांटा चुभा कर छोड़ देते हैं, ऐसे कांटा चुभने जितना कष्ट होगा। इससे उन पर पक्षपात का दोष भी नहीं लगता ना, कहे भाई दे तो दिया हमने प्रारब्ध का फल दे दिया, दंड तो हमने दे दिया, कांटा चुभाना भी एक दंड है। इसीलिए तो तुलसी बाबा कह रहे हैं अस प्रभु छाड़ी भजहिं जे आना, ते नर पशु बिन ऊंच विसार। अरे कभी कभी तो प्रभु केवल कोई बुरा सा स्वप्न दिखाकर, जैसे स्वप्न में थोड़ी देर के लिए व्यक्ति भयभीत हो जाता है ना, ऐसे कभी कभी तो कोई बुरा सा स्वप्न दिखाकर ही वो बड़े बड़े अपराध का दंड दे देते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। और वो दंड भी किस लिए देते हैं, वो दंड भी दंड के लिए नहीं देते, वो केवल जीव को सावधान करने के लिए देते हैं। क्योंकि जो आपके अनुचित को देखकर आपको सावधान ना करे वो भी तो आपका हितैषी नहीं हो सकता। वो कांटा चुभाने जितना दंड भी केवल किस लिए देते हैं, केवल सावधान करने के लिए, बस सावधान कर देते हैं प्रभु। इसलिए मैंने कहा भाई हमारा स्वभाव या तो कुभाव है या अभाव है, प्रभु का स्वभाव सुभाव है, सुंदर। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं कि ये सहचरियां क्यों न्यौछावर हैं, बोले प्रिया जी के रूप पर नहीं, कह रहे प्रिया जी के स्वभाव पर। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। अब यहीं से देख लो स्वभाव कैसा है। नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। अरे यहां किसी के स्वभाव पर आप रीझ भी जाओ तो उसका स्वभाव कोई सदा एक सा रहता है? यहां मान लो किसी का स्वभाव बड़ा सुंदर आपको लगे भी, पर ध्यान रखना वो स्वभाव सुंदर सदा एक सा नहीं रहेगा। यहां तो दिखने वाला फूल कब आग का गोला बन जाए कोई पता नहीं है, कब तुम्हारे ही हाथ में फट पड़े कुछ मालूम नहीं है। यहां तो एक एक क्षण में ऐसा होता ही है। आपने इसका अनुभव किया ही होगा। आप ही कहते हो थोड़ी देर पहले तो कैसे थे, अभी तो बहुत अच्छे वाले थे, अभी क्या हुआ। यहां तो ऐसे ही होता है, पल पल सब बदलता है, इसी का नाम संसार है। आप किसी का आपने कहा कि भाई बड़ा सुंदर स्वभाव है, आप मरे मिटे चले आए उस पर, ले आप आगे आए कुछ और ही मिला, अब क्या करोगे। यहां बात कुछ और है, करे नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 ते जे इनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी
सुनियत ताहा लगे सब दुख पासी है। अभी जैसे परसों किसी को मैंने आते ही डांटा ना थोड़ा सा, अभी सत्संग आरंभ हुआ, जैसे कोई कह रहा था, बोले एक पल में कैसे, एक पल में कैसे, मैंने कहा भाई ऐसे ही है और ऐसे रहना पड़ता है यहां पर, क्योंकि संसार भी ऐसा ही है, एक पल में ऐसे एक पल में ऐसे। कहने की यहां ये बात की उपयोगिता ये है कि भाई अगर यहां पर कुछ सुंदर दिख भी रहा है ना, तो ध्यान रखना वो सदा सुंदर नहीं रहेगा, वो पल पल बदलने वाला है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि भाई गुण दोष देखने से बचना, क्योंकि दोनों ही सदा रहने वाले नहीं है, दोष भी नहीं रहेगा गुण भी नहीं रहेगा। हमारे पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी थे, बड़ी सुंदर राम कथा कहते, बड़ी सरस बड़ी सुंदर राम कथा। वो दो पंक्तियां कहते थे, वो कहते थे देखो, बोले ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। दो पंक्तियों में देखो ये संसार का सत्य है, कैसे कैसे, बोले ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसा होता है संसार में। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आज जो भला दिख रहा है, आज जो सुंदर दिखाई पड़ रहा है, वो सदा रहेगा नहीं वैसा, वो वैसा नहीं रहेगा। एक और बात मैं आपको बताता हूं, संसार का सौंदर्य कैसा है, छूते ही समाप्त हो जाता है। यह संसार के सौंदर्य का सत्य है। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, वो सात रंग उसमें दिखाई पड़ते हैं, देखने में तो बड़ा सुंदर है, और वो कब तक सुंदर है, जब तक आपने छुआ नहीं है, छू दिया तो समाप्त। ऐसे ही संसार का सौंदर्य है, ऐसे ही संसार का रूप है, ऐसे ही संसार का गुण है, और ऐसा ही संसार का स्वभाव है, आपने छू लिया और समाप्त, कोई आकर्षण नहीं रह जाता है उसमें, फिर एक दो चार दस बार में वो सब समाप्त हो जाता है। फिर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो प्रेम पर, आप कहते हो कि कल तो बड़ा प्रेम था, नहीं नहीं वो प्रेम था नहीं, क्यों यहां प्रेम होता नहीं, संभव ही नहीं है, जो कुछ है वो आकर्षण है। आकर्षण क्यों होता है, भीतर की अपूर्णता के कारण आकर्षण होता है, विपरीत में आकर्षण नहीं होता, अपूर्णता के कारण आकर्षण होता है। भीतर का जो अधूरापन है ना, वो आपको खींचता है किसी किसी और की तरफ। हरि का भजन करते करते जब कोई भीतर से तृप्त हो जाता है, तो कहता है भाई जहां ही लहे कछु लयन की चाह नहीं में होए। जो तृप्त हो जाता है वो क्या कहता है, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, देख रहा है समझ रहा है सब, बता भी रहा है, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। जो तृप्त हो जाता है भीतर से, जिसके भीतर का अभाव मिट गया, उसको कहीं आकर्षण नहीं रहता है। नारद जी कह रहे हैं यत प्राप्य, जिसको प्राप्त करके, यत प्राप्य न किंचित वांछति, फिर वो कुछ नहीं चाहता, न शोचती, उसे कोई शोक नहीं रहता, पाने से हर्ष नहीं होता, खो देने का शोक नहीं होता। यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, न उत्साही भवति, शांत स्थिर, द्वंद के बीच में शांत और स्थिर खड़ा, बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दोनों ही आसान है, दोस्ती भी और शत्रुता तो और आसान है। ध्यान रखना, मित्रता तो तपस्या है, साधना है, शत्रुता तो एक पल का खेल है, एक पल का, पर दोनों ही साधे जा सकते हैं। कठिन है दोनों से मुक्त रहना।
न द्वेष्टि न रमते। और ये कब संभव होता है? जब भीतर से कोई आधार मिल जाता है। सावधान रहना, बाहर कभी कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसको पाकर आपकी दौड़ समाप्त हो जाए, आपका मन भागना छोड़ दे, बाहर कभी कोई नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये शब्द तो वज्र की लकीर है, कोई भी युग कोई भी काल इनको मिटा नहीं सकता। आपको कोई भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, पर ध्यान रखना मन की दौड़ समाप्त नहीं होगी। लगेगा दो चार दिन के लिए, दो चार महीना के लिए लगेगा कि मन रुक गया, अब और कोई नहीं चाहिए, पर वो सब बहुत देर तक चलेगा नहीं। सावधान रहना। इसीलिए संतों के ये शब्द हैं, ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धोर। हो सके तो इतना करिए, इतना ही करिए, याते दुर्लभ काल नवृथा गमाइए। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन। तो कह रहे तिनका सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। अरे तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। कोई पूछता है प्रभु से, क्या आप इतनी उत्तम गति दे रहे हो? ठाकुर जी कह रहे भाई इसने बड़ा भजन किया है हमारा। कैसे भजन किया? बोले गिरते समय हमारा नाम ले लिया, छींकते समय हमारा नाम ले लिया, बड़ा भजन किया इसने हमारा। इसी को कह रहे राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सकुच गणत अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। इस झांकी का दर्शन तो गोस्वामी जी कराते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से। ब्रह्मा जी जब प्रणाम करते हैं भगवान को तो वो भगवान का चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल है। ब्रह्मा जी भगवान का चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो अपने मुकुट के अग्र भाग का स्पर्श करा सकते हैं। भगवान के सन्मुख रखी उस पाद पीठ को जिस पर भगवान की चरण पादुका विराजमान है, जिस पर ठाकुर जी की चरण पादुका रखी रहती है, उस पाद पीठ को अपने मुकुट के अग्र भाग से, बस जो मुकुट की नोक होती है ना, ऐसे उस पर स्पर्श करा सकते हैं। बस इतना ही अधिकार है ब्रह्मा जी को। और वहां गोस्वामी जी क्या कह रहे, बोले प्रभु तरुतर कपिडार पर। बोले वो सब जो बानर भालू हैं पांव लटका कर बैठे हैं ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर, अपना पांव लटका कर बैठे। पिछली बार महाराज जी मुझे बता रहे थे, एक महात्मा कहते थे, बोले और जाने क्या क्या करते होंगे ऊपर बैठे। बोले प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। और फिर जो मैं आपको बता रहा था ना, इस पद की दो पंक्तियां जो मुझे बड़ी प्यारी हैं, वो सूरदास जी कहते हैं, कह रहे बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है देखत हो हरि जैसे। जैसे जब मैं प्रभु के सन्मुख होकर प्रभु के प्रसन्न मुख कमल का दर्शन करता हूं, अर्थात जब जब मन अनुकूल होता है, जब मन प्रभु के सन्मुख होता है और कमल नयन का वो मुख कमल जैसे खिला हुआ कमल होता है, ऐसे प्रभु का मुखारविंद है। अरे जैसे मैं उसका दर्शन तब करता हूं, कह रहे विमुख भये अकृपा न निमिष हूं। और जब मैं अपने सहज स्वभाव से विमुख हो जाता हूं, विपरीत आचरण करने लगता हूं, और फिर जब सुधाती है प्रभु की ओर देखता हूं, कहीं उनका मुख कमल वैसा का वैसा ही प्रसन्न होता है। यही अभी हम गा रहे थे, नेक हूं नारिस के हूं भूले हूं न हो सके, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख आसी है।
श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे, बोले बार बार भूलता है जीव, लेकिन जब वापस भजन में आता है, जब प्रभु की सेवा में आता है, प्रभु वैसे मुस्कुराते ही तो मिलते हैं। हम तो किसी का कहा एक अपशब्द जीवन भर कभी कभी नहीं भुला पाते, एक शब्द। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब तक वो उत्तर न दे लें, मान लो किसी ने कुछ कह दिया, जब तक वो उसका उत्तर नहीं दे लेंगे तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। तो किसी ना किसी प्रकार से, जब तक किसी कटु वाक्य से, कटु वचन से, जब तक वो उसका उत्तर नहीं देते उनको चैन नहीं पड़ता, वो भूल नहीं पाते। और यहां प्रभु का स्वभाव, सूरदास जी कह रहे, जैसे सन्मुख होता हूं मैं और उनके प्रसन्न मुख कमल का दर्शन करता हूं, कह रहे जब विमुख हो जाता हूं और लौट कर आता हूं अपने प्रभु की शरण में, उनको वैसा ही प्रसन्न पाता हूं। एक छोटी सी बात मैं आपको और निवेदन कर रहा हूं, भाव जगत की बात है कि प्रभु कभी भी, प्रभु का स्वभाव ऐसा है, भयानक से भयानक अपराध कोई करके आए, प्रभु कभी अपराधी को यह अनुभव भी नहीं कराते कि वो अपराधी है। ऐसा प्रभु का स्वभाव है कि वो कभी अपराधी को अपराधी अनुभव भी नहीं कराते, वो कभी जीव को संकोच में नहीं डालते। जीव पल पल अपने स्वामी को, अपने साहेब को संकोच में डालता है, प्रभु कभी जीव को संकोच में नहीं डालते। भाव जगत की बात है, कभी गुरुजनों की, संतों की कृपा से प्रभु के इस स्वभाव का अनुभव होता है। बड़े से बड़ा अपराध भी करके आप प्रभु के निकट जाओ, प्रभु का व्यवहार ऐसा होगा कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं, जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। जैसे हम तो क्या करते हैं ना, हम तो कहते हैं अरे अमुक व्यक्ति को अनुभव तो होना चाहिए ना, हम कहते हैं भाई उसको रियलाइज होना चाहिए उसने गलती किया है। इसलिए मैंने कहा भाई हमारा स्वभाव या तो अभाव है या कुभाव है, प्रभु का स्वभाव सुभाव है। वो कभी एक क्षण के लिए जीव को इस बात का अनुभव भी नहीं कराते कि तूने कितना बड़ा अपराध किया है। वही बात श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर चित हो तो तैसे, फिर जब उनकी ओर आकर देखा तो प्रभु वैसे ही हैं। और फिर सूरदास जी कहते हैं भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे लागे। सब कहिए भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे स्वामी सुभाई।
हरि को देखो एक सुहाई, हरि को देखो एक सुहाई। अरे भक्त विरह कातर करुणा में, भक्त से दूर नहीं रह सकते। सूरदास जी खींच गए, कृष्णदास जी का पक्षपात किया श्रीनाथ जी ने, बोले अब नहीं आएंगे हम कीर्तन सुनाने, तुम पक्षपात करते हो। नहीं आए, सूरदास जी ने जब झांझ करताल रख दिया एक और, तंबूरा धर दिया एक और, बोले बहुत कीर्तन कर लिया हमने इनका, बोले अंत में ये हुआ क्या, अरे पक्षपात किया इन्होंने, बोले अब नहीं आएंगे हम ना कीर्तन सुनाएंगे। अरे एक 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 सांझ भी, एक सांझ भी श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया, सूरदास जी के बिना रहा नहीं गया। अपना अनुभव ही कह रहे, आत्म अनुभव है सूरदास जी का। भक्त विरह कातर करुणामय, ये उसी समय की घटना है। आए ना श्रीनाथ जी, बार बार मनुहार कर रहे हैं, सूरदास जी आगे आगे, श्रीनाथ जी पीछे पीछे, पीछे पीछे हरि फिरे। अरे भक्त विरह कातर करुणामय, आहा ऐसा स्वभाव है प्रभु का। भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे लागे। अब भाई देखो, सूरदास जी अगर प्रभु के विषय में कुछ कह रहे हैं तो बिना देखे बिना जाने तो नहीं कह रहे होंगे। एक ईमानदार व्यक्ति को मेरे विषय में वही कहना चाहिए जो उसने देखा, जिसका उसने अनुभव किया हो। मनमानी बात नहीं कहनी चाहिए। सूरदास जी ने देखा होगा ना, कभी कभी डोले होंगे ना श्री गोवर्धन नाथ सूरदास जी के पीछे पीछे, तभी तो कह रहे हैं, बोले भाई ऐसे हैं ये। भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, डोलत पाछे लागे। और फिर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, देही पीठ सो अभागे, देही पीठ सो अभागे, देही पीठ सो अभागे, हरि को देखो एक सुहाई, हरि को देखो एक सुहाई, प्रभु को देखो एक सुहाई, प्रभु को देखो एक। और संतों ने प्रभु के इसी गुण का बार बार कीर्तन किया है। सूरदास जी भी कह रहे हैं, ध्रुवदास जी भी कहते हैं, मीरा भी कह रही हैं कि ओ गुण मारा बिसराजो जी, सावरा मारी प्रीत निभाजो जी, हो ओ गुणिया गुण नहीं कोई, और ओ गुण मारा बिसराजो जी। बार बार संतों ने इसी गुण का कीर्तन किया है। कल हम इसी विषय पर बात कर रहे थे ना कि जीव निर्दोष होकर प्रभु के पास नहीं जा सकता है। प्रभु प्राप्त जब हो जाते हैं, जब प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, तब जीव निर्दोष होता है। जीव को अवगुण के साथ ही स्वीकार करते हैं प्रभु। कब? जब जीव अपना अवगुण स्वीकार कर ले। पर जीव अपना अवगुण स्वीकार नहीं करता है, अपना दोष स्वीकार कर ले तो प्रभु उसे दोष के साथ स्वीकार कर लेते हैं। पहले तो उसको अपना दोष दिखता नहीं। विडंबना क्या है? पहले तो अपना दोष दिखता नहीं,
दिख जाए तो फिर वो मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, और स्वीकार कर ले तो फिर क्या करता है? अगर स्वीकार भी कर ले, हाँ भाई मुझ में ये दोष है, फिर क्या करेगा? छुपाता है, उसको दुराता है। और इसी छुपाने और दुराने को प्रभु ने छल और कपट कहा है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले तो दोष दिखेगा ही नहीं, अपना दोष दिखता ही नहीं। उड़ती चिड़िया का पर तो पहचान लेता है व्यक्ति, उसे अपना दोष नहीं दिखता। अच्छा दिख जाए तो वो स्वीकारता ही नहीं, उसे बच के भागता है। पर अगर स्वीकार करना पड़ ही जाए, पहले तो युवावस्था में व्यक्ति को लगता ही नहीं मैं कभी बूढ़ा होऊंगा, पहले तो उसे कभी लगता ही नहीं। उस समय यौवन का मद ऐसा होता है, उसको लगता ही नहीं कि कभी वृद्धावस्था मुझ पर भी आएगी। जब आने लगती है, क्योंकि उसको तो आना ही है, जब वो आने लगती है तो बचकर भागता है, बोले नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। लेकिन जब आ ही जाती है, बाल सफेद हो ही गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ ही गई, तो भी क्या करता है? छुपाता है उसको। और आजकल तो सब सुविधा उपलब्ध है, अपने उस अवगुण को, उस दोष को फिर छिपाता है। यही यही जीव का स्वभाव है, भीतर बाहर वो यही करता है। भीतर भी पहले तो दोष दिखता नहीं, दिख जाए तो फिर स्वीकारता नहीं है, और स्वीकार कर ले तो फिर छिपाता है, दुराता है, प्रभु से छिपाता है, गुरुजनों से छिपाता है। और कभी आपको मैंने कहा था कि पाप जितना छिपाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। और जीव की मूर्खता क्या है, थोड़ा सा पुण्य करता है उसको प्रकट करता है, इतना पाप करता है और उसको छिपाता चलता है। जो छिपाओगे वो बढ़ेगा, प्रेम भी छिपाओगे तो प्रेम बढ़ेगा प्रभु से, प्रकट करोगे तो कुछ और हो जाएगा। पर यहां श्रीमद् भागवत प्रभु के जिस स्वरूप का दर्शन कराती हैं, इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में पर स्वरूप का, प्रभु के स्वरूप का, श्री हरि के स्वरूप स्वभाव का जो दर्शन है वो तो यही है। भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, देही पीठ सो अभागे, देही पीठ सो अभागे, देही पीठ सो अभागे। हरि को देखो एक सुभाई। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।